हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सबका हमारे साथ व्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग के घर में कुछ नया बनने वाला है, तो आप सब हमारे व्लॉग में बने रहिएगा कि क्या बनने वाला है, आप लोगों को दिखाएंगे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लाए हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कौन चीज़ का पत्ता है जो कि आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। यही का इसी का सब्जी भुनिया बनेगा आज हम लोगों के घर में। आप लोग कैसे बनाते हैं और हम लोग कैसे बनाते हैं, आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और आप लोगों को वीडियो में हम लोग दिखाएंगे फ्रेंड्स। बहुत, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हाँ। और ये बहुत दवाई के साथ भी खाते हैं, ये मतलब दवाई का काम करता है ये वाला खाने से। तो आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, नज़दीक से देख लीजिए किस चीज़ का पत्ता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जुड़े रहिएगा, हम आज बनाएंगे इसको, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, कैसे बनाएंगे। हरा भरा पत्ता चलेगा। चलिए तो फ्रेंड्स, देखिए ये पत्ता है, इसको हम एक एक करके इसको तोड़ेंगे पत्ता को, क्योंकि ये बड़ा बड़ा तोड़ के ले आए हैं, तो हम इसको छोटा छोटा करेंगे। हमारे तो फ्रेंड्स, देखिए इसको इस तरह से तोड़ेंगे हम, देखिए ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से पत्ता को उसको तोड़ लेंगे अच्छे से। तो जो इतने सारे हैं, इसको हम सब एक एक करके उस तरह से तोड़ेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, देखिए हम इतना सारा तोड़ के यहाँ पे रखे हैं, और इतना सारा भी है तोड़ने के लिए बाकी। इसको एक एक करके चुन करके इसका पत्ता निकालेंगे, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए हम अभी सब्जी देखिए भरे हैं, सब्जी होगा उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तब तक हम इसको पत्ता ठो एक एक करके निकाल के रख लेंगे, इसको घंटी जैसे हुआ उसको छुटाएंगे पहले, उसके बाद हम इसको भूनेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देखिए हम साग कोई देखिए डांट से निकाल लिए हैं एक एक चुन चुन करके। इधर देखिए, इधर साग निकाल लिए हैं, आज देखिए कितना सारा डांट निकला है। अब इसको हम छोटा छोटा करके इसको पहले काटेंगे, और उसके बाद जो आलू है, आलू का जैसे आप लोग की भुंजिया बनाते हैं तो वैसे ही हम इसको भी पतला पतला करके काटेंगे। तो पहले काट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे फ्रेंड्स आगे क्या करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ आलू को छोटा छोटा में पतला पतला काट के रखे हैं भुंजिया जैसे, और ये देखिए साग भी कट कर दिए हैं, वही भी काट कर लिए। और यहाँ कढ़ाई में देखिए तेल भी दिए हैं, उसके बाद इसमें मिर्ची देंगे, और सबसे पहले आलू को थोड़ा सा भूनेंगे इसको। और देखिए फ्रेंड्स, हम आलू को तेल में इसको तल लिए हैं, और पूरा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये रेड हो गए हैं लाल पूरे। अब इसको साइड में करेंगे, और इसमें देंगे वो साग जो कि बना के रखे हैं पत्ता वाला, उसके बाद दोनों मिला करके भूनेंगे जब तक कि अच्छे से भून हो ना जाए तब तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साग को भून दिए हैं, और ये रेडी हो चुका है खाने के लायक, खाने कैसे हो चुका है। तो अब तो इसको खा के देखेंगे कि कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम साग को कैसे बनाएं और कौन सा साग है वो तो हम अभी नहीं बताएंगे कौन सा साग है, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब हम बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं सकेगा तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बता देंगे कि वो वाला जो पहले बनाए थे वाला कौन सा साग है। और जिसको जिसको पता है वो सब कमेंट कीजिएगा कि वाला कौन सा साग है,
और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी हमें भी ज़रूर बताइएगा। हम लोग यहाँ पे इसी तरह बनाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।